वेलकम एवरीवन इन द सेम चैप्टर फ्रॉम योर टर्म वन बुक चैप्टर नंबर 5 जस्किट गोज टू स्कूल। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैवन कंप्लीट द होल चैप्टर, एम आई राइट? वेरी गुड, मीन्स सम पैराज आर रिमेनिंग टू रीडिंग। व्हाट वी विल डू टुडे, वी विल कंप्लीट दोज पैराज विथ अंडरस्टैंडिंग, बट मूविंग फर्दर लेट्स अंडरस्टैंड और लेट्स टेक अ शॉर्ट रिविजन दैट व्हाट आर द थिंग्स यू हैव लर्नड अप टू नाउ फ्रॉम दिस चैप्टर। इन द फर्स्ट पैरा व्हाट डिड यू लर्न? जस्किट वॉज अ गर्ल एंड शी हैज़ अ डिजेबिलिटी फॉर वॉकिंग, मीन्स शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, यही हमने सीखा है। यस, सो नाउ इन द सेकेंड थर्ड पैरा वी कैन लर्न दैट द डेफिनेशन ऑफ जस्किट स्कूल, मीन्स वेयर हर स्कूल वॉज देयर एंड वाट आर द डिफिकल्टीज इज देयर टू गो टू दैट स्कूल। नाउ इन द नेक्स्ट पैरा जस्किट मीन्स जस्किट्स फादर अब्बा ले ही टूक हर टू द डॉक्टर, मीन्स आमची, लद्दाखी वर्ड इज कॉलिंग आमची टू द डॉक्टर। ओके, डॉक्टर को हम आमची बोलते हैं, तो वहाँ पर लेके गए हैं। हर ट्रीटमेंट वॉज देयर बट नो मेडिसिन इज देयर टू हेल्प हर फॉर वॉकिंग, कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं थे जो चस्किट को मदद कर सकते हैं वॉक करने के लिए। फिर क्या किया अब्बा लेने, सी ही बॉट अ व्हील चेयर फॉर चस्किट, सो थ्रू दैट व्हील चेयर चस्किट कैन गो एवरीवेयर। ये सुनो, व्हाट वेर एवर शी वॉन्टेड टू गो। आफ्टर दैट वॉट हैपन, एक लास्ट मीन्स वन इवनिंग सी वॉज सिटिंग विथ हर ग्रैंड फादर एंड दैट टाइम वन यंग बॉय केम टू दैम नियर टू दैम एंड दैट बॉय सेड वाई डोंट यू गो टू द स्कूल, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो? आई एम इन द क्लास 6, डू वॉन्ट टू कम टू द स्कूल? दैट टाइम जस्किट सेड यस ऑफकोर्स आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गो टू द स्कूल, गो टू द स्कूल। हर ड्रीम वॉज दैट टू दैट सी ऑल्सो वॉन्टेड टू डू स्टडी, सी ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाना चाहते थे। सी ऑल्सो वॉन्टेड टू वेयर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म भी पहनना चाहते थे, एग्जाम भी देना चाहते थे, और उसके ड्रीम क्या थे? टू कैरी स्कूल बैग्स। ओके, तो आफ्टर दैट व्हाट हैपन, लेट्स वी विल रीड हियर। एनाफ सेड मेरी ले, मैमेले, मैमेले मीन्स द लादा की वर्ड फॉर ग्रैंडफादर। फिर ग्रैंडफादर ने बोला ओके ओके ओके, यू नो यू कैन नॉट गो टू स्कूल चस्किट, स्टॉप ड्रीमिंग। जैसे ही चस्किट ने बोला कि मेरे ये ड्रीम है, पढ़ना चाहती हूँ, यूनिफॉर्म पहनना चाहती हूँ, दोस्त बनाना चाहती हूँ, एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, और स्कूल बैग को जो हम मेरा ड्रीम है, मेरा जो सपना है कि स्कूल बैग को करी करना, तो ये भी करना चाहते हो। तो ऐसे जैसे सुना उनके ड्रीम्स के बारे में अब्बा मैमे लेने मीन्स उनके ग्रैंड फादर ने क्या बोला, ओके यू स्टॉप, यू कैन नॉट गो टू स्कूल, यू नो दैट, ओके स्टॉप ड्रीमिंग, सपना देखना छोड़ो। ही सेड एज ही वर्क अवे, इट मेक्स माई पेरेंट्स वेरी हैप्पी टू सी माई ब्रदर डू वेल इन स्कूल, आई टू वॉन्ट टू लर्न, डू यू अंडरस्टैंड? आस्क जस्किट टीयरफुली, मीन्स जस्किट सी सेड टू द यंग बॉय दैट मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता भी बहुत खुश होंगे, जैसे मेरे ब्रदर स्कूल जाते हैं ना, अगर मैं भी स्कूल जाऊँ तो ये देख के वो मेरे माता पिता क्या है, बहुत ही खुश होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा, व्हाट इज सेइंग हियर दैट चैप्टर नंबर 47, यस आई डू जस्किट, आई मस्ट गो नाउ बट आई विल सी यू सून, जेली सेड अब्दुल। ओके, यहाँ पे बता रहे हैं कि वो दैट यंग बॉय ही प्रॉमिस्ड दैट आई विल गो, आई विल सी यू स्कूल, नो प्रॉब्लम। सी आफ्टर दैट व्हाट हैपन, कम टू द हियर दैट द नेक्स्ट डे एट स्कूल अब्दुल वेंट टू सी द हेड मास्टर, जेली सर आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट अ गर्ल फ्रॉम आवर विलेज, हर नेम इज जस्किट। ओ ओके सॉरी डियर, यहाँ पे मैंने बताने भूल गए कि एक जेली नाम के सर थे, तो वो नेक्स्ट डे जो वो हेडमास्टर के पास गए और उन्होंने बोला कि सर मेरे गांव में एक लड़की है जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। यस आई नो हर, सी इज डिजर्वेबल एजेंट सी, तो उन्होंने बोला कि हेडमास्टर ने बोला दैट
उन्होंने सॉरी जेली सर ने बोला कि यस आई नो हर, मुझे पता है सी इज डिजेबल्ड, मीन्स उनको एक क्षमता नहीं है, क्या नहीं है, आज द हेड मास्टर, ये आज पर हेड मास्टर ने पूछा, यस सर सी यूजेस अ व्हील चेयर टू मूव अराउंड बट कैन नॉट रीच स्कूल। अब्दुल ने बोला कि सर वो व्हील चेयर यूज करते हैं टू मूव अराउंड बट सी कैन नॉट वॉक स्कूल प्रॉपरली। सो फिर क्या हुआ, आई वॉज अंडर वंडरिंग इफ वी कुड हेल्प हर, सर सिंस सी वॉन्ट्स टू लर्न वी कुड ऑल गेट टूगेदर एंड लेवल द पाथ। फिर अब्दुल ने बोला कि सर वी हम लोग मीन्स हम कोई मदद कर सकते हैं क्या, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो चस्किट के लिए अच्छा हो सकते हैं, बिकॉज सी वांटेड टू लर्न समथिंग, मीन्स चस्किट जो लड़की है वो सीखना चाहते हैं, तो हम जो हमारे पथ हैं हमारे स्कूल आने जाने का पथ है रोड है उनके लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। वी कुड ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम, हम ये हमारी जो स्ट्रीम है स्मॉल रिवर है वहाँ पर एक जाके शॉर्ट ब्रिज बना सकते हैं। यू आर राइट अब्दुल, फिर हेड मास्टर ने बोला अब्दुल यू आर राइट मीन्स तुम सही हो, लेट मी डिस्कस दिस विद द अदर टीचर्स। हेड मास्टर ने बोला ओके मेरे को कुछ टाइम दो, कुछ टाइम की मीन्स आई कैन शेयर इट विथ अदर्स टीचर्स, मैं दूसरों टीचर से हेल्प मीन्स डिस्कस करूँगी है ना। द नेक्स्ट डे द हेड मास्टर कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल द टीचर्स, ही शेयर्ड अब्दुल्स आइडिया विद दैम। फिर अब्दुल की आइडिया क्या थे कि स्ट्रीम मीन्स वो स्मॉल रिवर थे वहाँ पे एक ब्रिज बनाना, तो हेड मास्टर ने क्या कॉल में सभी टीचर्स को बुलाए और ये स्ट्रीम ब्रिज के बारे में बताए। द ग्रुप वाज एक्साइटेड अबाउट हेल्प चस्किट रीच टू स्कूल, फिर जो ग्रुप थे टीचर्स के ग्रुप थे वो लोग बहुत एक्साइटेड थे टू ब्रिज को बनाने के लिए चस्किट को मदद करने के लिए। टू वीक्स लेटर द चिल्ड्रेन ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल गैदर्ड इन द प्ले ग्राउंड। टू वीक्स मीन्स दो हफ्ते से जितने भी सारे बच्चे थे गवर्नमेंट स्कूल के सब गैदर्ड हो गए, एक खट्टा हो गया प्ले ग्राउंड में। ओके दे हैड केम विदाउट देयर स्कूल बैग, वो लोग आए थे विदाउट स्कूल बैग मीन्स स्कूल बैग को छोड़ के। दे आर वेयर गोइंग टू बी नो क्लासेस, आज को मीन्स वो दो वीक्स क्या थे कोई क्लासेस नहीं भी थे। द टीचर्स डिवाइडेड द चिल्ड्रेन इन टू ग्रुप्स, आप जितने बच्चे थे सभी को ग्रुप्स में भाग किए थे पार्ट पार्ट करके। वन ग्रुप वर्क इन फ्रंट ऑफ द चस्किट हाउस, एक ग्रुप क्या थे वर्क कर रहे थे मीन्स काम कर रहे थे चस्किट की हाउस के सामने। एंड द अनादर ऑन द पाथ अलोंग द स्ट्रीम, और जो स्ट्रीम मीन्स स्मॉल रिवर थे वो जितने भी सारे ग्रुप्स थे वो सब स्ट्रीम मीन्स स्मॉल रिवर के पास काम कर रहे थे। द ओल्डर चिल्ड्रेन एंड द टीचर्स वर्क ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग वुडन ब्रिज across the stream, everyone laughed and sang as they watched. यहाँ हियर इज सेइंग दैट जो ओल्डर चिल्ड्रेन थे थोड़े बड़े बड़े बच्चे थे वो लोग क्या थे टीचर्स एक साथ वर्क कर रहे थे बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग वुडन ब्रिज। यहाँ पे देखो यहाँ पे यू कैन सी दिस पिक्चर, ओके वुडन ब्रिज उन लोगों ने बनाए चस्किट के स्ट्रीम के बराबर, ओके स्मॉल रिवर के, दिस इज द स्मॉल रिवर मीन इट कॉज स्ट्रीम, और वहाँ पे एक उन लोगों ने क्या है वुडन ब्रिज बनाए। और वाइल वर्किंग दे वेर सेंग मीन्स वो लोग गाना भी गा रहे थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज दैट चस्किट पेरेंट्स गेव हॉट टी एंड बिस्किट्स टू एवरी वन वैन दे वेयर वर्किंग दैट टाइम। चस्किट पेरेंट्स मीन्स उनके मम्मा और पापा ने क्या दिया उन लोगों को हॉट टी गर्म चाय और बिस्किट साथ में बिस्किट। हर हेड ग्रैंड फादर वॉच द स्कूल चिल्ड्रेन वर्किंग, उनके जो ग्रैंड फादर थे MLA उन्होंने वॉच किया मीन्स देखा कि चिल्ड्रेन स्कूल के चिल्ड्रेन कैसे काम कर रहे हैं। ही वाइप्ड अवे टू अवे अ टीयर दैट रोल डाउन हिज चीक्स, जिन्होंने उन्होंने वाइप मीन्स उनके आँखों में से आंसू आ रहे थे तो उन्होंने वो वाइप किया। ओके एट द एंड ऑफ द डे द टायर्ड बट हैप्पी चिल्ड्रेन रिटर्न टू देयर होम्स,
एट द लास्ट में उन लोगों ने क्या किया, ये जितने ड्रीम्स थे उनके जो वुडन ब्रिज बनाने के सब ये थे है ना आइडियाज थे वो कंप्लीटेड हो गया। तो जितने चिल्ड्रन थे वो लोग बहुत ही हैप्पी होके रिटर्न्स अपने अपने घर चले गए। द पाथ फ्रॉम चस किड्स होम टू स्कूल वाज रेडी। अभी चस किड्स होम से जो स्कूल का पाथ थे रोड थे है ना जो एक जाने का रास्ता थे पाथ थे वो अभी क्या है रेडी हो गए। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग चस किड्स वुड गो टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ। तो इनके लाइफ में जो फर्स्ट टाइम जब चस किड्स 9 ईयर्स की थे तो वो तब ये स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए थे। तो इट वाज सो एक्साइटिंग, यस नो, इट वाज वेरी गुड थिंग दैट ऑल द चिल्ड्रन दे हेल्प्ड चस किड्स टू गो टू द स्कूल थ्रू दैट व्हील चेयर। नाउ सी इज एबल टू गो टू द स्कूल। यू कैन सी दिस दैट पाथ, have you seen this, that is the image of school। So dear students, I hope you have understood about this chapter, who has written this chapter, na Sujata Padmanabhan, okay, इन्होंने ये chapter को लिखे थे। So now you read both, means read both whole chapter with help of both the videos, and if you feel any problem you can call me, thank you very much, have a good day।